वन रक्षक मुकेश सिंह ने बेच दी प्लांटेशन की बाउंड्री, 200 बीघा जमीन पर पेड़ों को कटवा खेती करने और अवैध वसूली के आरोप। खबर जिले के पोहरी अनुभाग से आ रही है, जहां वन परिक्षेत्र पोहरी के मड़खेड़ा बीट पर पदस्थ वन रक्षक द्वारा लाखों रुपयों की शासकीय वन प्लांटेशन की बाउंड्री बेचने एवं 200 बीघा वन भूमि पर पैसे लेकर अतिक्रमण कराने के संबंध में कार्रवाई कराने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कलेक्टर को शिकायती पत्र लिखा है। वहीं यादव ने मुख्यमंत्री और वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन से भी मामले की शिकायत की है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर को शिकायत करते हुए मोर्चा पोहरी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र धाकड़ ने बताया कि वन विभाग पोहरी रेंज की मड़खेड़ा बीट, जो कि बेहद संवेदनशील कूनो वन्य प्राणी अभ्यारण्य से लगी हुई होकर रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में आती है, वहीं उक्त मड़खेड़ा बीट में पदस्थ फॉरेस्ट गार्ड मुकेश सिंह विगत 4 साल से पदस्थ हैं। वहीं जिनके द्वारा ग्राम जाखनोत में नगर परिषद के कचरा डंपिंग चार्ट के नजदीक एवं जाखनोत आमई के बीच तथा आमई से अहेरा रोड तक मड़खेड़ा ग्राम के नजदीक के प्लांटेशन, जिनमें लाखों रुपया खर्च कर मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग द्वारा हजारों पेड़ पौधे लगाकर बाउंड्री बोल बनाई गई थी, जिसे उक्त भ्रष्ट नाकेदार वनरक्षक द्वारा ग्रामीणों को बेच दी। मड़खेड़ा बीट पर पदस्थ वनरक्षक मुकेश सिंह द्वारा ग्राम मड़खेड़ा एवं आमई उमरैया एवं जनोनिया क्षेत्र में हजारों हरे भरे पेड़ों को पैसा लेकर कटवाकर जमीनों में अघोषित पार्टनर होकर खुद खेती करा रहे हैं। वहीं अब प्रतिदिन शाम को मेन रोड पर बैलगाड़ियों, ट्रैक्टर एवं साइकिल वालों से अवैध रूप से जंगल के पेड़ों को पैसे लेकर कटवाया जा रहा है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं आपका मैं राजेंद्र सिंह यादव भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूं। तो आज आपने जो कलेक्टर साहब को जो आवेदन दिया है, कि क्या कुछ मामला है? ये मामला क्या है, काफ़ी सालों से हम ये कई बीट पर पदस्थ हैं, मुकेश सिंह हैं जो बीट गाइड हैं, उनके द्वारा जो भी फॉरेस्ट में जो काम किए जा रहे हैं, सभी सेंचुरी की बाउंड्री उठवा दी है, अवैध रूप से खेती के लिए जमीन जो जुतवाई जा रही है, जो भी वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, उस वृक्षारोपण का पता नहीं है कितने वृक्ष आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, धरातल पर एक भी नहीं है। सभी बाउंड्रियों को एक एक से बिचौलियों को बेच दिया गया है। इसकी शिकायत आपने इससे पहले कलेक्टर साहब से पहले किसी और से की थी क्या? इससे पहले मैंने जिला वन विभाग अधिकारी के लिए की थी, DFO साहब के लिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसी के माध्यम मैंने अगली 15 तारीख को शिकायत कलेक्टर साहब को की है, माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है।